ट्रक देख रहे हैं मैं, इसके कितने बड़े बड़े हैं ना। तो यहाँ मंगा लिए चाय और मट्टी। बढ़िया व्यू आ रहा है रात के टाइम भी, बट 100 रुपए लगते हैं यहाँ पर। सामने का एकदम मस्त वाला व्यू है, ठंडा पानी बह रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज तुम्हारा भाई लेके जा रहा है तुम्हारे को एक और नई जगह। हम जाने वाले आज उत्तराखंड। उत्तराखंड की ट्रिप जो रहने वाली है बाय रोड रहने वाली है। आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी से और गाड़ी में ही कैंपिंग वगैरह करेंगे। हम दो जने जा रहे हैं यहाँ से और जो भी रास्ता होगा, जैसी भी जर्नी होगी, मैं सब आपको दिखाता हुआ चलूंगा और जितना भी बजट हमारा लगने वाला है इस ट्रिप में वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे निकलते हैं और आगे मिलते हैं आपसे। अब तो भाई निकलते ही हो गया तगड़ा जाम। अभी अपने यहाँ से हम थोड़ी सी आगे आए हैं, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर, और यहाँ पर भाई साहब हाईवे पे तगड़ा जाम हो रहा है। मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा ही लग जाएगा वहाँ पे। आधा घंटा वेट किया हमने, उसके बाद थोड़ा सा जाम अब खुल चुका है और हम आगे निकल रहे हैं। तो ये पकड़ लिया फ्रेंड्स हमने मेरठ हाईवे, जो मेरठ एक्सप्रेस वे जा रहा है अपना दिल्ली से, ठीक है। इससे क्या अपना थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे और टोल वगैरह है वो हम दे देंगे। इससे क्या है थोड़ा टाइम बचता है हमारा। इससे जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम मेरठ पहुँच जाएंगे लगभग 1.5 घंटे के आसपास हम मेरठ में होंगे अभी। तो यहाँ से दोस्तों शुरू हो गई हमारी जर्नी, अब सीधा निकलेगी गाड़ी उत्तराखंड। और मेरठ से जाने से फायदा ये है, इस एक्सप्रेसवे से भी बहुत बढ़िया बन चुका है। इधर से जाने का फायदा ये है कि भाई अपना टाइम की बचत होती होती है, साथ में सेफ्टी भी है, क्योंकि इस हाईवे पे आपको रात को एक तो रोड सही मिलने वाली है, प्लस उसके साथ आपको जो ये एरिया रहने वाला है फुल, मतलब फुल ऑन यहाँ पर लाइटें मिलने वाली है आपको रास्ते में ना। मतलब अगर ये 90 किलोमीटर या 70 किलोमीटर रास्ता है तो आपको लगभग 40 से 50 किलोमीटर इधर लाइटिंग मिल जाएंगी। तो आपको अगर आप फैमिली के साथ रात भी आ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि रोड ये चलता फिरता है। और ये चल रहा है मेरठ एक्सप्रेस वे, आपको दिखा दूं यहाँ पर थोड़ा सा रास्ते में लाइटें नहीं है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई थोड़े बहुत रास्तों पर आपको लाइटें हो सकता है ना मिले, तो वही हुआ है यहाँ पर, थोड़ी लाइटिंग नहीं है। मगर भाई रोड एकदम खाली हो रखा, टाइम हो रहा है 1 बजे के आसपास। गाड़ी रुकेंगी नहीं हमारी, गाड़ी 70-80 पे चल रही है, लिमिट में ही चलाएंगे। A few moments later. माया डोल सिपाहिया वे कोई होर सुना गल बात, कटियों कटी लियांगे चालूंगी सारी रात वे, चालूंगी सारी रात वे, खच के आप हमारे को सपोर्ट कर सकते हैं। बारकोड पे स्कैन करना है आपको पेटीएम के थ्रू और सीधा पेमेंट हमारे पास। तो दोस्तों इसी के साथ हम मेरठ एक्सप्रेस वे पे करीबन 30 से 35 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और अब जो है मेरठ आने वाला है, मुश्किल से 1.5 घंटे बाद हमारा मेरठ आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर गाड़ी रोक दी हमने मेरठ के आसपास, हम यहाँ पर रुक गए हैं। अब थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे और रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे। और भाई साहब जर्नी जो हमारी बहुत बढ़िया जा रही है, ठीक है। और यहाँ से जो रास्ता रह गया है मेरे ख्याल से 130 किलोमीटर के आसपास रह गया है ऋषिकेश। तो यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद जैसा भी जर्नी होगी मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा। चाय वाय पीनी है क्या? पीन गए थे ऐसी। और की करेंगे इतने? तो यहाँ मंगा लिए चाय और मट्टी, मस्त पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। 164 किलोमीटर दिखा रहा है ऋषिकेश, लगभग 7-8 बजे तक हम पहुँच जाएंगे ऋषिकेश। उसके बाद वहाँ पर मस्त सी जगह पर कैंपिंग लोकेशन ढूंढकर अपना टेंट लगाएंगे और बढ़िया कैंपिंग करेंगे। तो अब चाय पीते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों चाय पी ली हमने यहाँ पर, मैगी पूछी थी भैया से, मैगी थी नहीं इनके पास, तो चाय मट्टी खा ली यहाँ पर 10-15 मिनट रेस्ट करके। अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधा और आपको पता ही है 164-165 किलोमीटर दिखा रहा है ऋषिकेश, लगभग 8 बजे तक सुबह पहुँच जाएंगे। अब देखते हैं अगला ब्रेक हम कहाँ करते हैं। निकल रहे हैं फिर यहाँ से और मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों ये तीसरा टोल आ गया है, जब से हम मेरठ एक्सप्रेसवे चढ़े थे ना अब तक हमारा जो तीसरा टोल आ चुका है और दबा के पैसे ले लिए उन्होंने। अब ये पता नहीं कौन सा टोल है। बाकी यहाँ से जो हरिद्वार रह गया करीबन 61 किलोमीटर रह गया है, बाकी निकलते हैं टोल से और मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा तीसरा टोल हमने पार कर दिया और यहाँ से अभी भी जो है ऋषिकेश 90 किलोमीटर दिखा रहा है। बाकी अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हरिद्वार पहुँच कर, थोड़ी देर वहाँ स्टे करेंगे, रात के टाइम पे देखते हैं कैसा व्यू आता है। भाई रात को अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो ना तो रोड पे भाई बड़ा चौकन्ने होके गाड़ी चलाना।
दोस्तों फाइनली अब पहुंच गए हरिद्वार, और हरिद्वार का जो व्यू है 4 बजे के आसपास अच्छा है, बिल्कुल शांत माहौल है। और यहाँ पर जो मौसम है थोड़ा ठंडा है, करीबन अभी 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर, मतलब मौसम ठीक ठीक है। और आप देख रहे हो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है रात के टाइम भी। अब निकलते हैं आगे और आपसे मिलते हैं फिर। तो हरिद्वार से थोड़ा सा आगे आ गया दोस्तों, क्योंकि वहाँ जो है ना सारा ही सुनसान पड़ा था, बिल्कुल भी क्राउड नहीं था और बहुत ज़्यादा शांति थी। तो अब थोड़ा सा आगे आ गया, कहीं देखते हैं थोड़ा भीड़ भड़क का होगा, वहाँ पर रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, मैगी खा लेंगे थोड़ी सी, और 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद सीधा निकलेंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश यहाँ से 30 किलोमीटर रह गया है, उसके बाद वहाँ पर हम थोड़ा सा स्टे करेंगे और फिर निकल जाएंगे हम घूमने। सीन हो गया तगड़ा दोस्तों, पेट्रोल पंप पे यहाँ पर कोई है नहीं और अपनी गाड़ी में पेट्रोल हो रहा है थोड़ा सा कम, तो पेट्रोल डलाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये मेरा भाई है पागल हो रखा है, इसके अलग ही चल रहा है यहाँ पर, कह रहे हैं मुंह में भर लेते एक एक लीटर तो थोड़ी थोड़ी देर में कुल्ला करते रहेंगे। और यहाँ बसे देख लो कैसे कुत्ते की तरह भगाती जा रही है सब। अब देखते हैं यहाँ पर पेट्रोल की खोज में निकलते हैं। केमिस्ट वाले से भूल ले, एक आधा लीटर पेट्रोल दे दे दो इससे पता कर ले दूध वाले से। तू खस खस क्यों कर रहा भाई, इतना खस 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 करे जा रहा है भाई, तू ऐसा कर तू केमिस्ट पे तेरे को रोक देगा, दवाई ले ले भाई, तू खांसी हो रही है अभी तो, तू ऋषिकेश पहुंचा भी नहीं तेरे को खांसी हो गई अभी से। ये गाड़ियाँ खड़ी है पक्का इसलिए खड़ी है, देख दिल्ली नंबर, दिल्ली नंबर, यूपी नंबर, एचआर नंबर, भाई ये मैं कह रहा हूँ सीएनजी के भूखे हैं, ये तड़प रहे हैं सीएनजी के लिए। इससे पूछिए, बंदा आ रहा है, देख पूछिए उससे। तो फाइनल गाइस अब हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर हमने गाड़ी अपनी पार्किंग पर लगा दी है। पार्किंग के हमने दिए 100 रुपये, 100 रुपये हैं जो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, मतलब 12 घंटे के हमने 100 रुपये दे दिए इनको। तो 12 घंटों तक हमारी गाड़ी जो है सेफ खड़ी होने वाली है। अब यहाँ से निकलेंगे, खाना वाना खाएंगे कुछ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं लक्ष्मण झूला, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं आपको थोड़ा बहुत जो भी एक्टिविटी होती है उस सब के बारे में बता दूँगा, तो अगर आप कभी आते हैं तो आपको सब चीज़ों में आसानी रहेगी। तो अब करते हैं तैयारी, थोड़ा खाते पीते फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। चलना भाई, चल लो भाई, जो मर्जी रगड़ो, इस क्लीन क्लीनर में सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा दिला दूंगा बाली जो कभी देखी नहीं होगी, कमला नगर में नहीं मिलती ऐसी बाली दिला दूंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ से सीधा जाने का, उसके बाद लेफ्ट मुड़ने का, फिर राइट मुड़ने का, सीधा आएगी खाई, खाई में कूद जाने का। ये कुर्ते भी दिला देंगे, सब दिला देंगे, कुर्ते पजामे वर्दामे सब दिला देंगे। उन सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। सामने से भी देख ले, दुनिया तरसती है इसके लिए। हम यहाँ पर आ गए दोस्तों, और हम नीचे कर रहे हैं, और बढ़िया व्यू दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को इसके बाद। यहाँ जाना है वहाँ से, यहाँ से नीचे उतरते ही तगड़ा व्यू है, टेंशन वाले की बात नहीं है। आग लगा देंगे पानी में नहाने का, सारा मैल उतार देना शरीर का, ठीक है। दोस्तों देख लो कितना बढ़िया व्यू है सामने का, एकदम मस्त वाला व्यू है, ठंडा पानी बह रहा है, अभी इसी में नहाना है दबा कर, सारा महल उतार के जाना है दोस्तों आज यहाँ का। ये बेचारे खच्चर मेहनत कर रहे हैं, ऐसे रेत इकट्ठी करते हैं फ्रेंड्स। और रास्ता जो है बड़ा ख़तरनाक है यहाँ का, और बढ़िया व्यू आ रहा है सामने, सामने चलेंगे दूर, वहाँ पर नहाएंगे आराम से, टेंशन फ्री होकर। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।